बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉप जो क्वेश्चन है जीएसए 2018 क्वेश्चन 6D। अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 6,40,000। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी कितनी छोड़ के जा रहा है, 6,40,000। अ डेब्ट ऑफ रुपीज 40,000, डेट बोलते कर्ज को, 40,000 का उस पर कर्ज था, वॉज ड्यू टू हिम एंड रुपीज 5,000 वॉज स्पेंड ऑन हिज बरियल एक्सपेंस, जो उसके जनाजे 5,000 का खर्चा हुआ है। लेट डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, एक विडो है उसकी, वन डॉटर है और दो सन। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस्लामिक लॉ के लिहाज से आप क्या करें, इन विडो में, एक बेटी में और दो बेटों के अंदर ये जितना पैसा है डिवाइड करें। शरिया क्या बोलती है सबसे पहले, अच्छा एक हम लोग साथ साथ डाटा बनाते हैं, कितने पैसे छोड़ के जा रहे हैं, 6,40,000, ठीक है। उसके बाद उस पर जो डेब्ट था, कर्जा डेब्ट था उसके पास कितना, 40,000। उसके बाद जो बरियल एक्सपेंसेस हैं, जो बरियल कॉस्ट है, एक्सपेंसेस कुछ भी बोलते हैं, तो वो 5,000 उसका जनाजे खर्चा था, ठीक है। बोलते डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, वन डॉटर, वन विडो है, वन डॉटर है और टू सन्स है। ये हमारे पास टोटल डेटा आ गया, और शरीयत की लॉ, इस्लामिक लॉ के लिहाज से शरिया कहती है आप सबसे पहले कर्जा उतारे और उस पर खर्चे जितने उसके एक्सपेंसेस हैं वो साइड बैठा है, उसके बाद बंटवारा होता है पैसे का, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस निकालने हैं। 6,40,000 मैं सबसे पहले माइनस क्या करूंगा, डेब्ट। आपने सुना होगा जो लड़के जाते हैं कब्रिस्तान हो गया, वहां पे अनाउंसमेंट होती है किसी का कर्जा है तो बता दें, और ये वो सारी बातें होती है हमारे पास। 6,40,000, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, 40,000, ये माइनस होगा इसमें से, और सेकंड क्या होगा, बरियल एक्सपेंसेस जो है वो भी माइनस होंगे इसमें से, वो कितने हमारे पास, 5,000। जब ये सब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 5,95,000 रुपीस, इतना बचता है। अब ये बटेगा पैसा, 5,95,000 रुपीस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब अगेन एक बात याद रखिएगा, बच्चों में बांटने से पहले सबसे पहले विडो का उसका शेयर दे देते हैं, क्योंकि विडो, अगर जैसे मैं इस्लामी शरिया लॉ बोलते हैं कि विडो का जो हिस्सा है डेट इज 1/8, 8 हिस्से होंगे उसमें से एक हिस्सा, मतलब 8 हिस्से नहीं होंगे, आठवां हिस्सा बेसिकली, आठवां हिस्सा किस पे, किसके पास जाएगा, विडो का जाएगा, जितना भी पैसा बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आठवां हिस्सा विडो को दे देंगे पूरे होल अमाउंट में से। तो इसका आठवां हिस्सा हमें निकाल ले, और किस तरह निकलेगा हमारे पास आठवां हिस्सा विडो के लिए, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5,95,000, इसका आठवां हिस्सा इस तरह निकलेगा, या डिवाइड बाय 8 कर दे डायरेक्ट, वो भी आपके पास सेम ही बात है। 5,95,000 का अगर आप आठवां हिस्सा निकाल ले तो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली 7,43,075 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये इतना हिस्सा आपके पास कहां चला गया, विडो के पास। अब पीछे कितना पैसा बचता है, लेफ्ट ओवर कितना रहता है, 5,95,000 में से जब आपने 74,375 दे दिए विडो को, तो उसके बाद आपके पास पैसे बचते हैं रिमेनिंग यहां पे 5,20,625, इतने पैसे बचते हैं रुपीस, ठीक है, इतने पैसे आपके पास बच रहे होते हैं। अब क्या करना है, एक बेटी और दो बेटे हैं। इस्लामिक लॉ में क्या है, बेटी अगर लड़के का बोले एक हिस्सा है तो लड़की का आधा हिस्सा है, लड़के के दो हिस्से हैं तो लड़की का एक हिस्सा है। ओवरऑल क्या है, दो हिस्सा या एक हिस्से की बात करें तो इसका लड़की का आधा ही होता है, दो है तो लड़की को एक मिलेगा, एक है तो लड़की को आधा मिलेगा, इस तरह का यह है आपके पास। अगर मैं एक बात करूं, यहां पे दो बेटे और एक लड़की, एक बेटी थी, सन वन, सन टू और डॉटर, मैं इस तरह लिख सकता हूं। अच्छा मैं हाफ 0.5 पे इसलिए नहीं जाऊंगा, वी डोंट हैव कैलकुलेटर इन द पेपर, तो आसान करते हैं चीजें, बहुत इजीली डिजिट्स पे ना जाए हम लोग, डेसिमल पे ना जाए। बेटे के अगर दो हिस्से हैं, दूसरे बेटे के भी दूसरे दो हिस्से हैं और एक बेटी का एक हिस्सा है, हम लोग के पास बेटे के दो हिस्से होते हैं ना, और दो बेटों की बात हो रही है, सन वन लिखें, सन टू लिखें और डॉटर इज डॉटर एक ही है, मैं इस तरह भी कह सकता हूं, ठीक है। दो हिस्से सन के हैं, दो हिस्से दूसरे सन के हैं और एक हिस्सा लड़की का है,
अगेन रेशियोज पे मैंने दो लास्ट वीडियो मैंने बात की रेशियोज के, आप क्या दो मेथड है आपके पास, या तो आप ये निकाल लें रेशियो टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे आपके पास इस पूरे सामान के, अगर मैं पांच हिस्से 2+2+1 टोटल हिस्से पांच है ना, जिसमें दो हिस्से इसके हैं, दो हिस्से इसके हैं और एक हिस्सा इसका है। अगर मैं ये काम करूं 5,20,625 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1,04,125 एक हिस्सा ये मिल जाएगा। और सन वन के लिए क्या करें आप, सन वन के लिए आप 1,04,025 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो पहले बेटे को मिलेगा वो आएगा इक्वल टू 2,08,250, क्योंकि इसके पास दो हिस्से हैं ना, ये तो हमने एक हिस्सा निकाला है, तो सन टू के लिए भी आपके पास सेम ही होगा, सन टू को भी सेम ही मिलेगा ये। और डॉटर को क्या मिलेगा, जो हमने डॉटर का अगर एक ही हिस्सा है तो एक हिस्सा तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 1,04,125। एक तो ये मेथड, सेकंड मेथड क्या आपके पास, लिखिए आप इस तरह सन, सन वन जो है आपके पास इसके पास दो हिस्से हैं आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने पैसे बचे हैं 5,20,625। सन टू भी आप ऐसे लिखेंगे सेम इसी तरह, डॉटर का क्या लिखेंगे, डॉटर का क्या लिखेंगे, ओके खैर यहां पे ऊपर लिख लें, यहां पे देख लें आप प्लीज, डॉटर को आप लोग 1/5 क्योंकि इसका एक हिस्सा है, टोटल 5 में से एक हिस्सा इसका है और मल्टीप्लाई में टोटल कितना पैसा बचता है 5,20,625। तो सेम ही आंसर यहां पे नीचे लिख दिया मैंने, तो प्लीज इसको आप देख लीजिए, ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वेरीफाई सारे कीजिएगा, आप कितने भी शेयर हैं सारी चीजें आप वेरीफाई कर लीजिए, और कोई अगर मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।